Lights, camera, action! Here we go! Neutralizer, STF, lockdown, RKO, jump! Woo! Hello everybody and welcome back to my YouTube channel जिसका नाम है RJ The Reactor। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो देख ही लिया रहेगा भाई, टेबल्स, लैडर्स, चेयर, जो हाथ में आया बस लो और सामने वाले को तोड़ दो, सीधा सीधा खेल है आज का। और आज के हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की हमारी जो सीरीज चल रही है भाई, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, जो कि इस वक्त आ चुके और गप्पे लड़ा रहे हैं रिंग के बीचों बीच, और इनके ओपोनेंट्स भाई एक टाइम की कड़क खतरनाक और टैग टीम जोड़ी, टैग टीम चैंपियंस हुआ करते थे ये दो बंदे, जिनका नाम है द सेल्टिक वॉरियर शेमस, जिनकी चड्डी पे लिखा हुआ है ला आउच। इसका मतलब किसी को नहीं पता भाई, ये राज भी उसी के साथ जाएगा। और उसी तरह से अगला राज जो आ रहा है, जिनका नाम पहले एंटोनियो सेजारो हुआ करता था लेकिन अब सिर्फ सेजारो है, ये राज भी इसी के साथ जाएगा। लेकिन मैं आपको राज बताऊंगा, ये मैच कौन जीतेगा ये तो हम वक्त के साथ ही देखेंगे कि आज की मैच कौन जीतेगा। और ये क्या, रैंडी ऑर्टन ने पकड़ लिया है सेजारो के बाल, जो कि है ही नहीं, फिर भी उसको पीछे से पकड़ के मार रहे थे रैंडी ऑर्टन, कुछ तो अपना कर रहे थे। और ये सेजारो ने गुस्से में उठा के फेंका है जॉन सीना को एक छोटे बच्चे की तरह। छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची तो नहीं है, पर मैच ज़रूर जीतने के चांसेस है जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन के, क्योंकि भाई दोनों स्लिम ट्रिम है, कभी भी लैडर पर चढ़ के निकाल सकते हो। ठीक है, जॉन सीना ने दिया हेडशॉट वो भी पट सेजारो को, और अब शेमस ने उठा के फेंक दिया है रैंडी ऑर्टन को, लेकिन इसी के साथ शेमस का मन नहीं भरा, ये और एक बार उठा के फेंक दिया है रैंडी ऑर्टन को। क्या अब शेमस शांत बैठेंगे? लग तो नहीं रहा है। और ये और एक बार उठा के फेंक दिया है रैंडी ऑर्टन को शेमस ने। भाई क्या खा के आया है शेमस आज तू, रैंडी ऑर्टन को उठा उठा के फेंक रहा है भाई। और अब जॉन सीना के साथ भी क्या वही, नहीं जॉन सीना को खींच, लेकिन जॉन सीना को उठा के फेंका है अपने पैर पे, ये दूसरी बार। और ये तीसरी बार आयरिश कर्स देते हुए जॉन सीना को, और जॉन सीना इसी के साथ हुए रिंग से बाहर। और अब रिंग में बचे हैं रैंडी ऑर्टन, शेमस और सेजारो। अब तीन जन मिलके मारेंगे बेचारे रैंडी ऑर्टन को, और ये सबमिशन मूव में लॉक इन कर दिया है सेजारो ने शेमस को। भाई तुझे पता नहीं है क्या, ये लैडर मैच है, लैडर पे ऊपर चढ़ के वो मनी इन द बैंक का टाइटल नीचे होता है ना तो जीतेंगे, तू क्या सबमिशन में डाल रहा है, समझ क्या रखा है अपने को, कितनी पीते हो भाई। और अब ये शेमस बिना बात के नीचे गिर गए, नहीं जॉन सीना ने मारा था। और अब जॉन सीना का पलटवार सेजारो के ऊपर, बदला निकालना है भाई। और ये रिया रिवर्सल सेजारो ने, और अब सेजारो आ चुके रिंग में, लेकिन जॉन सीना ने दिया है लात। और ये रैंडी ऑर्टन भाई का भाई कूद गए शेमस के ऊपर भाई, आओ ना देखा ना ताओ। और अब जॉन सीना रिंग के अंदर ही कूद रहे सेजारो के ऊपर, रैंडी ऑर्टन ने फेंका है शेमस को स्टील पोस्ट के ऊपर, और जॉन सीना ने उठा लिया है सेजारो को, ये गिरा दिया है। अब रैंडी ऑर्टन देख रहे हैं रिंग के नीचे क्या है, और ये रिंग के नीचे से निकाला कुल्हाड़, क्या करेंगे ये शेमस की सफाई। जी हाँ, शेमस को तोड़ना चालू कर दिया है रैंडी ऑर्टन ने, और रिंग में सेजारो तोड़ रहे हैं जॉन सीना को, शेमस लगातार। और ये शेमस का सर फोड़ दिया रैंडी ऑर्टन ने, नहीं अभी तक नहीं फूटा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन की पूरी तैयारी हुई। और ये रैंडी ऑर्टन दे मारा है शेमस के सर पर, और सर तोड़ दिया है गोरे इंसान का। अब शेमस जो सफ़ेद है वो हो जाएंगे पूरे के पूरे लाल, और ये रिंग के अंदर आ चुके हैं रैंडी ऑर्टन, क्योंकि जानते हैं कि शेमस तो अभी उठेंगे, लेकिन रैंडी ऑर्टन दे दिया है न्यूट्रलाइजर, सेजारो का मूव दिया सेजारो को, यानी कि मेरी बिल्ली और मुझे से मियाऊ कर दिया है इधर रैंडी ऑर्टन ने। और अब
चारों जन कुछ नहीं कर रहे, बस देख रहे एक दूसरे को। और ये रैंड ऑर्टन क्या बार चुप गए, और ये शेमस ने क्या बार चुप गए। जॉन सीना ने दिया है पलटवार, और अब जॉन सीना क्या करेंगे, क्या करेंगे रैंडी ऑर्टन, क्या करेंगे शेमस, और क्या करेंगे सिज़ारो। ये मैच किस तरफ जाएगा कोई नहीं जानता। एक तरफ शेमस गिर चुके हैं, एक तरफ रैंडी ऑर्टन गिर के उठ चुके हैं, और अब रैंडी ऑर्टन लेते हुए लैडर को, क्या यही वक्त है, क्या यहीं पे मैच ख़त्म कर देंगे रैंडी ऑर्टन सर पे चढ़ के और निकाल देंगे। भाई रैंडी ऑर्टन तो और एक लैडर निकालने की तैयारी में दिख रहे हैं, नहीं ये तो स्टॉप ले लिया इन्होंने। जॉन सीना यू कैन सी मी, यू कैन सी मी, और ये दे दिया है 5 नकल शफल, और रैंडी ऑर्टन अभी भी रिंग में। रैंडी ऑर्टन ने निकाल दिया है लैडर और कर दिया है सेटअप रिंग के बाहर साइड में, और ये पकड़ा शेमस को, शेमस को अपना टारगेट बनाते हुए ये फेंक दिया है लैडर के ऊपर, और बिना टाइम वेस्ट किए चढ़ गए हैं टॉप रोप पे, और अब ये कूदने के, ओ भाई शेमस के ऊपर कूद चुके हैं रैंडी ऑर्टन। ना आओ देखा ना ताओ, ये तो खड़े खड़े 14-1 हो गए भाई। शेमस को तो बहुत इंजरी लग चुकी है, और शेमस को ही नहीं सिज़ारो को भी बहुत इंजरी लग चुकी है। जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन पूरी तरह इस मैच को डोमिनेट करते हुए भाई, शेमस अब रिंग के अंदर आते हुए उस खतरनाक मूव के बाद, और ये जॉन सीना ले लिया है कंधे पे, एटीट्यूड एडजस्टमेंट टू सिज़ारो। अगर काउंटिंग कर देंगे तो डेफिनेटली मैच जीत जाएंगे, पर ये मैच काउंटिंग का नहीं है दोस्तों। इस मैच में जीतने के लिए लैडर लगाना होंगे रिंग के बीचों बीच, और चढ़ के निकालना होगा वो चमचमाता हुआ मनी इन द बैंक का ब्रीफ केस। लेकिन मैच अभी भी जारी है, 2 जन 4 जन इस मैच में लगे पड़े हैं, 1 मनी इन द बैंक के लिए जो कि टैग लैडर मैच है, मैं साफ साफ बता दूं। और अब रैंडी ऑर्टन जा रहे हैं रिंग से बाहर, और ये ले लिया है और एक लैडर, और ये फेंक दिया है रिंग के अंदर। लगता नहीं कि रिंग के अंदर फेंकना है, ओ लगता है रिंग के बाहर ही फेंकना है। और अब चले गए अनाउंस टेबल्स के पास, और निकाल दिया है वो प्लेट, और अंदर शेमस देते हुए फिनिशर जॉन सीना को। क्या रैंडी ऑर्टन बचा पाएंगे, जी नहीं, रैंडी ऑर्टन ने आने में कर दी बस 1 सेकंड की देर। अगर 1 सेकंड पहले आ जाए तो शायद जॉन सीना को बचा भी लेते, पर अब रैंडी ऑर्टन पीछे से वार करते हुए दे मारा है मुंह पे लात। और अब सिज़ारो वर्सेस जॉन सीना, जॉन सीना भी काफ़ी डैमेज ले चुके हैं अब तक, और जॉन सीना की वापसी, सिज़ारो का रिवर्सल, रैंडी ऑर्टन के पंचेस, शेमस का रिवर्सल, और ये चढ़ा दिया है जॉन सीना को क्या रिंग के ऊपर। शेमस, सिज़ारो ने दे मारा है हेड पोस्ट की तरफ, रैंडी ऑर्टन हो चुके हैं रिंग से बाहर, जॉन सीना हो चुके हैं रिंग के अंदर स्टंड। ये कॉर्नर फिनिशर देते हुए सिज़ारो ने दिया पंच, और ये सिज़ारो की अलग पंचेस चल रहे हैं भाई। और अब शेमस, 2 जन मिल के मार रहे हैं जॉन सीना को। जॉन सीना को इसकी आदत है वैसे तो, क्योंकि 1 vs 2 मैचेस खेल चुके, और ये जॉन सीना ने दिया रिवर्सल। और अब शेमस की बारी, शेमस दे रहे हैं जॉन सीना ने किया शेमस को भी रिवर्स, ये दिया। अब ये सिज़ारो भाई, 2 जन मिल के एक बंदे को अच्छी तरह से घेर रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं। लेकिन अब रैंडी ऑर्टन आ चुके हैं रिंग में अपने भाई को बचाने के लिए, शेमस ने उन्हें भी कर दिया रिवर्स, और ओ भाई क्या चढ़ के मारा है। रैंडी ऑर्टन समझ चुके हैं कि वो नेगेटिव एनर्जी में है, और ये चले गए बाहर अपने आप को पॉजिटिव करने के लिए टॉन्ट देते हुए। लेकिन सिज़ारो भाई अच्छा घेर रहे हैं अंदर सबको, जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन ने भी दिया अपना लात। अब शेमस को घेरते हुए जॉन सीना को आया गुस्सा, किया है अपने ओपोनेंट को टॉन्ट, रैंडी ऑर्टन ने फेंका है शेमस को रिंग से बाहर। जॉन सीना चढ़ गए हैं रिंग के ऊपर, क्यों पर क्या है वहाँ, कुछ नहीं। रैंडी ऑर्टन चाहते हैं अनाउंस टेबल को तोड़ना शेमस के ऊपर, और उसकी पूरी तैयारी करते हुए। लेकिन शेमस भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, शेमस ने कर दिया है रिवर्स, शेमस ने उठा लिया है रैंडी ऑर्टन को आयरिश कर्स के लिए। और अब शेमस लेते हुए वो लैडर, ताकि वो अंदर चले जाए और लगा दे और निकाल ले वो मनी इन द बैंक। लेकिन रैंडी ऑर्टन ने फेरा पानी, रैंडी ऑर्टन एक बार फिर शेमस को अनाउंस टेबल पर तोड़ने की तैयारी में लगे हुए है, क्योंकि फिनिशर है, सब है, मौका भी अच्छा है, दस्तूर भी है। लेकिन शेमस मान ही कहा रहे हैं, और अब सिज़ारो आ चुके हैं, और अब जॉन सीना को आना ही पड़ा। वो सिज़ारो ने क्या उठाया है पीछे से बेली टू बैक सुप्लेक्स, और अब जॉन सीना लगातार वार करते हुए सिज़ारो के ऊपर।
रेंडर ने कहा यहाँ से आगे मैं संभाल लूँगा इसको, तू अंदर देख ले भाई जॉन सीना। और जॉन सीना अंदर देखते हुए शेमस को, लेकिन ये क्या, रैंडी ऑर्टन ने सेटअप कर दिया है सीजारो को, चढ़ा दिया है टेबल के ऊपर और ये उठा के बस अब एक RKO ऑन द टेबल्स और सीजारो हो चुके हैं ढेर। अंदर जॉन सीना देते हुए एटीट्यूड एडजस्टमेंट, लेकिन किया शेमस ने रिवर्स। लेकिन जॉन सीना जानते हैं कि ये अंत नहीं है क्योंकि रैंडी ऑर्टन अभी जिंदा है। रैंडी ऑर्टन ने दिया लैडर से वार शेमस को, उठा लिया है लैडर और लैडर लगाने की तैयारी में ही है बस रैंडी ऑर्टन। इधर रिंग के अंदर लॉक इन कर दिया है STF, जॉन सीना ने शेमस ने कर दिया है टैप आउट। लगता है शेमस के पैर और सर दोनों ही चमका चपका दिया है जॉन सीना ने। और जॉन सीना भी करते हुए एटीट्यूड एडजस्टमेंट की तैयारी, शेमस हो चुके हैं स्टंड, वहाँ सीजारो हो चुके हैं हैंग भाई, और रैंडी ऑर्टन चढ़ चुके हैं सर पे निकालने के लिए वो मनी इन द बैंक। जॉन सीना रखवाली करते हुए शेमस की और सीजारो की, और अब ये कर दिया है जॉन सीना ने टॉन्ट लॉक इन, क्योंकि जानते हैं कि अब शेमस नहीं उठेंगे। शेमस उठ चुके हैं, लेकिन तब तक रैंडी ऑर्टन ने निकाल दिया है भाई मनी इन द बैंक का वो ब्रीफ केस। और इसी के साथ हमारी ये मैच जीतते हुए जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, एक कमाल का शेमस का फिनिशर जो हमने देखा था पिछली ही मैच, अभी मैच में RKO ऑन द टेबल, STF जो शेमस ने ऑलमोस्ट कर दिया है था टैप, और ये जॉन रैंडी ऑर्टन जिस तरह से निकालते हुए, और भाई ये हुआ विक्ट्री का मोमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप इस तरह से कौन सी मैच देखना चाहेंगे मुझे वो भी बता देना, मैं जल्द से जल्द बना दूंगा आपके लिए। Till then, enjoy the moment.